में सेफ्टी इंजीनियरिंग के अंतर्गत इंडस्ट्रियल हेजार्ड चैप्टर में इकोनॉमिक हेजार्ड का जिक्र किया जा रहा है जो वीडियो नंबर 7 है। मानव और मशीन की अनुकूलित व्यवस्था है, इसके अंतर्गत उद्योगों में कार्य की प्रकृति के अनुसार और उस पर मानवीय कार्य से संबंधित संतुलन की व्यवस्था स्थापित की जाती है जिसमें मशीनों की कार्य प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था, कार्यवृद्धि और संयंत्र और मशीनों की स्थापना और निर्माण व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 मशीन और उपकरण की रचना प्रणाली और कार्यस्थल का। नंबर 2 संयंत्र और कार्यस्थल पर यांत्रिक प्रणाली के अनुसार। नंबर 3 उचित कार्य प्रणाली के अनुसार। इकोनॉमिक से होने वाले खतरे, कार्य करते समय उचित उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने से कार्य में देरी, व्यक्तिगत नुकसान आदि। उचित प्रकार से पर मशीन और संयंत्र की रचना कार्य के अनुसार न होना। अब कंट्रोल, उचित उपकरणों का इस्तेमाल कर हम खतरों को रोक सकते हैं। प्रबंधन में सुरक्षा संबंधी कार्य, सुपरवाइजर के सुरक्षा संबंधी कार्य, श्रमिकों को कार्य के दौरान सुरक्षा संबंधी कार्य करते रहना चाहिए। नंबर 1 सुरक्षा संबंधी सेमिनार, मीटिंग या बैठक आयोजित करना। नंबर 2 उद्योगों और सुरक्षा समितियों के लिए सुरक्षा कार्यक्रम गठित करना। नंबर 3 कार्य के बारे में उचित दिशा निर्देश देना। नंबर 4 सुरक्षा संबंधित विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम, पुरस्कार आदि की व्यवस्था करना। नंबर 5 सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना। नंबर 6 कार्य के दौरान सुरक्षा के साधनों के बारे में समझाना। नंबर 7 उद्योग संयंत्र में उचित कार्य विधि स्थापित करना। तो इस प्रकार इस वीडियो में इकोनॉमिक हेजार्ड यानी मानवीय खतरे इंडस्ट्रियल हेजार्ड के भीतर बताया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और खास करके जब भी आप इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो आपको ये सब सेफ्टी और सुरक्षा के बारे में बहुत ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।